القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى للاستعلاء, और लफ्ज़ आला ये इस्तेला के लिए आता है. नहु ज़ैदुन अला सतह, जैसे कि ज़ैद ये छत पर है. हरूफ जर का व्यंजन लाता, और हरूफ जर में से एक हर्फ है लफ्ज़ आला. आला ये अरबी ज़बान में मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर यह सारी किताब ने सिर्फ तीन मानी को बयान किया है. तो सबसे पहले हम इबारत पढ़ते हैं और तर्जमा भी कर लेते हैं, साथ साथ में मतलब भी समझते चलेंगे, और आखिर में फिर तरकीब करेंगे. तो कहते हैं कि वह आला लिल इस्तेलाई, लफ्ज़ आला ये इस्तेला के लिए आता है. इस्तेला ये बावे इस्तेफाल का मजदर है, इसके माने आएंगे हुसूल बुलंदी, बुलंदी तलब करना, यानी हुसूल बुलंदी. क्या मतलब? यानी आला इस बात को बताता है कि मेरे मदखूल पर माकबल को बुलंदी हासिल है. आला जिस इसम पर दाखिल होगा वो होगा मदखूल, आला का मदखूल होगा, और उससे पहले जो होगा वो उसके मदखूल का माकबल होगा. तो आला इस बात को बतलाता है कि आला का जो मदखूल है उस पर माकबल को बुलंदी हासिल है. अभी कभी तो ज़ाहिरन होगा, हमें नज़र आएगा, और कभी ये मजाजन होगा, यानी एक चीज़ ज़ाहिर में दूसरी चीज़ के ऊपर महसूस तो ना होगी, मगर मानन मजाजन हम देखेंगे, हमें मालूम होगा कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर बुलंदी है. ये हमें ऐसा कहा जाता है मुहावरा के अंदर, जिसको हम मजाज कहते हैं. साहिब किताब ने दो मिसालें दी हैं, और पहली मिसाल से उसी इस्तेलाए हकीकी की तरफ, और दूसरी मिसाल से इस्तेलाए मजाजी की तरफ इशारा किया है. तो इस्तेलाए हकीकी की मिसाल दी है ज़ैदुन अला सतही, ज़ैद ये छत पर है. अब देखिए इसमें आला हर्फ जर है, और सतह उसका जो मदखूल है. हमने कहा ज़ैदुन अला सतही, ज़ैद छत पर है, तो आला का अला के मदखूल यानी सतह छत का माकबल यानी ज़ैद, ये आला इस बात को बतला रहा है कि उसका जो मदखूल है यानी छत, उस पर उसके माकबल यानी ज़ैद को बुलंदी हासिल है. ज़ैद छत पर है. वह अलैहि दैनुन, ये दूसरी मिसाल है. अलैहि की ज़मीर के बाद हम ज़ैद की तरफ लौट आएंगे. वह अलैहि दैनुन, और ज़ैद पर कर्ज है. मिसाल के तौर पर ज़ैद पर कर्ज है. तो अगर किसी ने किसी से पैसे उधार ले लिए हों, तो हमें आंखों से नज़र नहीं आता है कि जो है उसकी उस पर जो है कर्ज का बहुत लदा हुआ है, मगर मजाजन ऐसा कहा जाता है. वक़्त तकून विमानल बाई, और कभी लफ्ज़ आला ये बाकी माने में होता है, बाकी माने में होता है, यानी मतलब ये है कि बा जैसे इल्साक के लिए आता है, उसी तरह आला भी कभी बा के माने में आता है. आला के असल माने तो इस्तेला के हैं, मगर जो है ये कभी कभी बा के माने में इस्तेमाल होता है. तो देखने में तो लफ्ज़ आला होगा, मगर वहाँ तजबा बा से करेंगे, बा के माने से करेंगे. ना हो मररतु अलैहि, जैसे कि मररतु अलैहि, ये मररतु अलैहि मररतु भी के माने में, मैं उसके पास से गुजरा. वक़्त तकून बिमाना फ़ी, और कभी वो फ़ी के माने होगा, यानी फ़ी जिस तरह ज़र्फ़ियत को बतलाता है, उसी तरह लफ्ज़ आला भी ज़र्फ़ियत को बतलाएगा. नहु क़ौलिही तआला, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वइन कुंतुम अला सफ़रिन, अगर तुम सफ़र में हो, यानी तर्जुमा नहीं करेंगे, अगर तुम सफ़र पर हो, यहाँ आला ये फ़ी के माने में है. आई फ़ी सफ़रिन, यानी सफ़र सफ़र में हो. हम तरकीब कर लेते हैं. वाला लिस्तेलाई, तो यहाँ लफ्ज़ आला इस्म है, यानी इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए मुक्तदा बनेगा. वाव इस्तेनाफिया हो गया, और आला ये मुक्तदा हो जाएगा,
लिल इस्तेला ये जार मजरूर होकर कायदून के मुतालिक होकर खबर मुक्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। नहु ज़ैदुन अला सतही मिसाल महजूफ नहु वज़ाफ ज़ैदुन मुक्तदा अला हरफ जर सतह मजरूर जार मजरूर से मिलकर साबितुन के मुतालिक होकर खबर मुक्तदा अपने खबर से मिलकर मातूफ अलै वाओ ये हरफ अत्फ है अलै ही जार मजरूर होकर साबितुन के मुतालिक होगा और ये बन जाएगा खबर मुकद्दर खबर मुकद्दम और दैनुन ये होगा मुब्तदाए मुअख्खर दैनुन मुब्तदाए मुअख्खर अपने खबर मुकद्दम से मिलकर ये बन जाएगा मातूफ मातूफ अपने मातूफ अलैहि से मिलकर ये होगा नहु का मुज़ाफ़ इलैहि नहु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मिसाल मुब्तदाए महज़ूब की खबर मिसाल मुब्तदाए महज़ूब अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरी हो जाएगा। वक़द तकून बिमअल वाई कद ये वाव हरफ अत्फ है और कद जो है ये हरूफ तकलील है तकुनु फेले नाकिस और उसके अंदर ही ज़मीर पोशीदा है उसका इस्म आला बा ये हरफ जर और माना ये मुजाफ और बा ये मुजाफ इलैह ठीक है माना मुजाब अपने मुजाफ इलैह से मिलकर ये मजरूर हो जाएगा जार मजरूर से मिलकर ये साबितन के मुतल्लिक होकर तकुनु फ़ेल नाक़िस की खबर तकुनु फ़ेल नाक़िस अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इसमें यह खबर यह हुआ। उसके बाद है नहु इससे पहले मिसाल मुद्दा महसूब नहु मुजाफ मरतु फ़ेल उसके अंदर अना ज़मीर पोशीदा फ़ाइल अलैही जार मजरूर से मिलकर मरारतों का मुतालिक फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर बन जाएगा जुलहाल बा ये हरफ जर माना मुजाफ और मरारतु फेल उसके अंदर पोशीदा ज़मीराना फाइल और बा हरफ जर हा मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुतालिक होगा मरारतु फेल के मरारतु फेल अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर मुजाफ इलाही माना का माना मुजाफ ने मुजाफ इलाही से मिलकर मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर कायनन के मुतालिक होकर हाल बन जाएगा जुलहाल अपने हाल से मिलकर नहुक मुजाफ इलाही नहु मुजाफ अपने मुजाफ इलाही से मिलकर मिसाल मुतला महसूब की खबर। वक़द तकूनु बिमाना फी वाव हरफात क़द हरूफ़ तकलील तकूनु फ़ेल नाक़िस और उसके अंदर ज़मीर पोशीदा उसका इस्म बाहर पजर माना मुजाफ और फी मुजाफ इलैह मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक होकर तकून फ़ेल नाक़िस की खबर तकून फ़ेल नाक़िस अपने इस मतलब से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो जाएगा। नहु क़ौलिही तआला व इन कुंतुम अला सफ़रिन मिसाल मुब्तदा महज़ूफ नहु मुजाफ क़ौलिही तआला ये इस पहले आ चुका है मिल मिलाकर जो है ये कौल बन जाएगा और इन कुंतुम आला सफ़रिन इन हरफ शर्त है कुंतुम फ़ेल नाक़िस उसके अंदर पोशीदा ज़मीर मुत्तसिल उसका इस्म तुम जो है उसका इस्म और आला सफ़रिन ये जार मजरूर होकर मुतालिक होकर बन जाएगा मुफस्सर आई हरफ तफसीर फ़ी हरफ जर सफ़र मजरूर जार मजरूर मिलकर तफसीर मुफस्सर अपनी तफसीर मिलकर मुफस्सर अपनी तफसीर से मिलकर ये बनेगा खबर कुंतुम का कुंतुम फ़ेल नाक़िस अपने इस खबर से मिलकर बन जाएगा शर्त और जो इसकी जज़ा है वो अगली आयत के अंदर है व इन कुंतुम अला सफ़रिन फ़रिहानुम मक़बूज़ा तो फ़रिहानुम मक़बूज़ा ये इसकी जज़ा है शर्त ने जज़ा से मिलकर जो है जुमला शर्तीय जज़ाई होकर बन जाएगा मक़बूला कौल अपने मक़बूला से मिलकर नहु मुज़ाफ़ इलैह नौ मुजाफ ने मुजाफ से मिलकर मिसाल मुक्ता मसूब खबर मुक्ता अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा।